हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर काफ़ी जाना पहचाना नाम थे, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर की कुछ इच्छाएं थीं जो कि अधूरी रह गई, और आज हम आपको उनकी दो अधूरी इच्छाओं के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, पहली इच्छा ये थी ऋषि कपूर की कि उन्हें यूं तो कई सारे अवार्ड मिले, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर सहित बड़े पुरस्कार तो उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही मिल गए थे। लेकिन ऋषि कपूर को मलाल इस बात का था कि उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा। जी हाँ, ऋषि कपूर की एक अधूरी इच्छा यही थी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ऋषि कपूर की दूसरी अधूरी इच्छा ये थी कि वो रणवीर की शादी देखना चाहते थे, जो कि अब अधूरी रह चुकी है। जी हाँ, रणवीर की शादी देखना चाहते थे ऋषि कपूर, जो कि इच्छा अधूरी ही रह गई। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।